पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले शाहजहां शेख को लेकर बीजेपी पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है। तस्वीर आपको मुंबई की दिखाते हैं, आप देखिए यहाँ पर किस तरह से तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम महिला कार्यकर्ता और पुरुष कार्यकर्ता जो है यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। आप देखिए शाहजहां शेख की जो तस्वीर है उस पर क्रॉस का निशान है और यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कि ममता बनर्जी शर्म करो, बलात्कारियों का संरक्षण बंद करो, इस तरह की चीजें जो है यहाँ पर नजर आ रही है। ये क्या, किस तरह का गुस्सा है, क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि वहाँ अभी आने वाले इसमें जनता उनको सबक सिखाएगी। जिस महिला पे अत्याचार हो रहा है वो चुपचाप सहन कर रही है, जो महिलाएं और ऐसी मुख्यमंत्री वो अत्याचार देख रही है उसके बाद भी वो किसी चीज के लिए वो कुछ सपोर्ट नहीं कर रही है। वो चाहती है कि वहाँ पे उसका राज चले, लेकिन आने वाले समय में वहाँ पता चलेगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा। क्या आपको लगता है जानबूझकर बचाया गया शाहजहां शेख को? जी हाँ, वो उनका संरक्षण कर रही है, ऐसे लोगों का संरक्षण नहीं करना चाहिए। ममता बनर्जी को महिलाओं के प्रति कोई निष्ठा नहीं है, आदर भाव नहीं है, इसीलिए वो ये कार्य कर रही है। और हम समग्र भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा आज उनका निषेध कर रहे हैं। महिला मुख्यमंत्री होकर भी संवेदनशीलता नहीं नजर आ रही है, ये आरोप है? ये बिल्कुल उनमें संवेदनशील की नहीं, वो केवल उनकी कुर्सी बचाने का सोच रही है। उनको कोई महिलाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी से उनको कोई मतलब नहीं है। क्या कहेंगे आप लोग, क्या कार्रवाई चाहती है? वो आरोपियों पे फांसी की हम इच्छा व्यक्त करते हैं और ममता जी से हम इस्तीफा मांगते हैं। हम ऐसे लोगों की फांसी की मांग कर रहे हैं, जब तक उनको फांसी नहीं मिलेगी तब तक हमारा ये उनके प्रति निषेध जारी रहेगा। बिल्कुल, यहाँ पर आप देखिए महिला कार्यकर्ताओं में गुस्सा है, साफ तौर पे कह रही है कि जब तक फांसी नहीं मिलेगी शाहजहां शेख को तब तक सड़क पर इसी तरह का विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। फिलहाल इस तरह का गुस्सा, इस तरह का प्रदर्शन पूरे देश में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का देखने को मिल रहा है, क्योंकि 55 दिन तक फरार रहने के बाद में बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया। लेकिन आरोप यह है कि दरअसल शाहजहां शेख बंगाल में ही था, उसे खुद पश्चिम बंगाल सरकार का संरक्षण मिला हुआ था। कैमरा पर्सन जतिन के साथ राजीव सिंह, TV9।